प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और इसके लिए जो बेसिक है वही एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने किया है सेम रहेगा, कोई नई बात इसके अंदर नहीं आई है। तो संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर फास्ट देखते हैं। सबसे पहले थी प्राकृत संख्याएं, एक दो तीन चार, इस तरह से ये पूरी पूरी संख्याएं। उसके बाद आ गई थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसमें कौन आ जाएगा? जीरो रह जाएगा, जीरो एक दो तीन चार, इस तरह चलती रहेगी। उसके आगे थे पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आ गया? जीरो एक दो तीन चार, ये वाले इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, इस तरह चलता रहेगा। तो प्राकृतिक संख्याएं, उससे बड़ी पूर्ण संख्याएं, उससे बड़े पूर्णांक। उसके बाद आ गया था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू, पी और क्यू कैसे हैं? पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो ध्यान रहे, क्योंकि इनके सबके बटे में एक लगा सकते हैं, तो ये सारे की सारी परिमेय संख्या है। और इसके अलावा परिमेय संख्या में जैसे कौन आ जाएगा? बटे वाले, जैसे 2/3, 4/5, इस तरह की संख्याएं भी इसके अंदर आ जाएंगी, परिमेय संख्या होगी। और उसके बाद आ गया था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं में हमारे पास जो परिमेय नहीं है वो कैसी संख्याएं होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। अब जो अपरिमेय संख्याएं होगी उसको अगर हम डिफाइन करें थोड़ा सा, और ये होती है नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो रिपीट होती है और ना खत्म होती है। जैसे वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल चार नहीं, क्योंकि वर्गमूल चार से तो हमें दो मिल जाएगा। पाई, 0.10, 100, 1000, 1400, अभी ऐसे चल रही है। देखो ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ये खत्म हो रही है। तो इस तरह की संख्याएं जो हमारी क्या होंगी? वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि परिमेय संख्याओं के अंदर तो प्राकृतिक पूर्ण पूर्ण संख्या है और पूर्णांक तो है ही है, इसके अलावा भी बटे वाली और भी है जितनी भी, क्योंकि इनके सबके बटे में हम एक तो लगा ही सकते हैं। अपरिमेय जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास कैसी संख्याएं बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से स्टडी किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आप देखें कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो कैसे बनती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा करने से वास्तविक संख्या बनती है। तो इसने कहा कि जो अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होगी या तो वो परिमेय होगी या वो अपरिमेय होगी, यानी कि सारे की सारी परिमेय, देखो सारे की सारी परिमेय उठा के एक जगह रख दी और सारे की सारी अपरिमेय एक जगह उठा के रख दी, तो इसी को तो इकट्ठा बोला गया है, इसी को तो वास्तविक संख्या ही बोला गया है। तो जो वास्तविक संख्या होगी या तो वो परिमेय होगी या वो अपरिमेय होगी, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होगी वो तो वास्तविक संख्या होगी ही। आपको समझना है इस बात को कि जो परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय नहीं है और जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को इकट्ठा संग्रह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या ही। तो वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या हो या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या हो या तो वो परिमेय होगी या फिर वो अपरिमेय होगी। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखो एक क्लास है हमारे पास, एक क्लास है, उसमें बॉयज है
और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स है उसको लास्ट में, बॉयज और गर्ल्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, स्टूडेंट। अब देखो ये तो हमारी परिमेय संख्याएं रैशनल, ये है हमारी अपरिमेय संख्याएं, और परिमेय को और अपरिमेय को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब देखो जो रियल नंबर होगा, जो स्टूडेंट होगा या तो वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगा, यानी कि जो रियल नंबर होगा या तो वो परिमेय संख्या होगा या फिर वो अपरिमेय संख्या होगा। अब रिवर्स करते हैं, जो बॉय होगा वो पक्का स्टूडेंट होगा और जो गर्ल है उसको भी हम स्टूडेंट कहेंगे, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट एंड ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, तो क्लास में जितने भी बॉयज है वो भी स्टूडेंट है और गर्ल्स है वो भी स्टूडेंट है, तो इसका मतलब सारे के सारे जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन उल्टा सही नहीं है कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या है। जो स्टूडेंट है वो जरूरी थोड़ी है कि वो बॉय हो, वो जो स्टूडेंट है वो गर्ल भी हो सकता है, जो स्टूडेंट है वो गर्ल स्टूडेंट भी हो सकता है, तो इस तरह से आपको इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, यानी कि जो छोटे हैं वो तो सारे के सारे बड़े के अंदर है, लेकिन जो बड़े के अंदर है वो सारे के सारे छोटे के अंदर कैसे आएंगे, कुछ तो बचेंगे ही। देखो जो छोटा सेट है वो बड़े के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा सेट है वो छोटे के अंदर कैसे आएगा पूरा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, तो कुछ ना कुछ बचेगा तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब दोबारा देखते हैं, उसने कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हमारा ये क्या हो गया, सत्य है। क्यों, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। बिल्कुल आसान सी बात है, देखो जो छोटा सेट है वो तो बड़े सेट के अंदर पूरा पूरा आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा सेट है वो छोटे के अंदर कैसे पूरा का पूरा आएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो जब छोटे सेट से बड़े सेट की बात की जाती है तो सत्य है, और जब बड़े सेट से छोटे सेट की बात करते हैं तो असत्य है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है हमारे पास संख्या, दूसरे पार्ट में कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। अब देखो संख्या रेखा बनाते हैं, यहां 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। इसको हम पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। अब संख्या रेखा में ये सारे हमने क्या ले लिया, ये ले लिया -2, -2 संख्या रेखा पर एक बिंदु है, तो इसने क्या कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है वर्गमूल, लेकिन -2 तो किसी का वर्गमूल हो ही नहीं सकता, लेकिन -2 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल
नहीं है। अब देखो माइनस दो पे तो माइनस दो तो संख्या रेखा पे एक बिंदु है, लेकिन ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, यानी कि माइनस वाला कोई भी ले लो सबके लिए बात सही है। तो यानी कि जो वो बात कह रहा है वो सत्य नहीं है, तो माइनस वाला कोई भी ले सकते हैं। तो हम इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित ऋणात्मक संख्याएं, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं, उनको हम वर्गमूल m के रूप में नहीं लिख सकते, वर्गमूल m के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है वो नहीं होगा हमारे पास, वो नहीं मिलेगा उससे हमें वर्गमूल। तो इस वजह से आप आसान से शब्दों में समझना चाहे तो एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि माइनस दो है। अब माइनस दो को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, माइनस दो को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्यों? क्योंकि माइनस दो जो है एक वो एक ऋणात्मक संख्या है, और जो ऋणात्मक संख्या होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल, जो ऋणात्मक संख्या वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अब देखो अगर मैं चार लेता, अगर मैं चार लू तो सोलह का वर्गमूल आ जाएगा ना चार, लेकिन माइनस तो किसी का भी वर्गमूल, जब आप वर्गमूल यहां कुछ भी कोई भी संख्या लिखोगे तो उससे जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक नहीं आ सकता, वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये माइनस वाले सारे खाली पड़े, तो ये सारे गलत होगी बात। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, असत्य है। कारण आप ये लिख देंगे, ये वाला कारण लिख देंगे कि माइनस दो एक संख्या रेखा पर एक बिंदु है, लेकिन माइनस दो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर वही बात, प्रत्येक वास्तविक संख्या बड़ा डब्बा छोटे के अंदर कैसे आ सकता है? वास्तविक संख्याओं तो संख्याएं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से जोड़ने से बनती है। तो वास्तविक संख्याएं बड़ा डब्बा एक अपरिमेय संख्या होती है, छोटा डब्बा तो बड़ा डब्बा छोटे डब्बे में नहीं आ सकता, यानी कि कैसे हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। यहां से मैच करें, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या स्टूडेंट था और अपरिमेय संख्या गर्ल्स वाले थे, तो प्रत्येक स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट होता है, ये तो कोई जरूर नहीं है, वो बॉय भी हो सकता है। तो यहां से भी हमारा क्लियर हो रहा है, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था अपनी क्लास के हिसाब से, तो ये असत्य हो गया। तो असत्य क्यों हुआ, क्योंकि उसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां आप लिख सकते हो कि असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या हो। वह परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट को आप और छोटा करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल छोटे शब्दों में आप क्या लिख दो कि दो एक वास्तविक संख्या है। दो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है,
लेकिन दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो नहीं है, लेकिन दो अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कह सकते हो गया। तो आपकी मर्जी ऐसे लिख ले या इस तरह से लिख दे, या आपके दिमाग में कुछ और आता है तो उस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेहद इजी सा क्वेश्चन है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? एक एक देखते हैं। पहले उसने कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, मतलब जो प्लस वाले पूर्णांक यानी कि एक दो तीन चार पांच इन सब की बात कर रहे हैं के वर्गमूल, इनके वर्गमूल क्या ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं? अब देखो, वर्गमूल एक, वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल चार, वर्गमूल पांच, इस तरह से हम ले रहे हैं। देखो वर्गमूल एक से तो हमें एक मिलेगा, यहां से वर्गमूल चार से हमें दो नहीं मिल जाए। ये हमारे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद वर्गमूल नौ से कितना मिलेगा? तीन। वर्गमूल सोलह से कितना मिलेगा? चार। वर्गमूल 25 से कितना मिल जाएगा? पांच। अब ये देखो इनके मान जो आए हैं तो ये तो परिमेय संख्याएं आई हैं, यानी कि ये बात सही नहीं कह रहा, यानी कि ये असत्य है। तो उसने क्या कहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो क्या लिखेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक उदाहरण दे रहा है, ये रहा हमारे पास ये रे, तो हमने लिया वर्गमूल चार, उदाहरण ले रहे हैं, हमने लिया वर्गमूल चार। उसने कहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया और उसका वर्गमूल कर दिया जो उसने कहा था वो ले लिया। लेकिन इसका मान तो कितना होता है? दो होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। हो गया बस हमारा कुछ, यही था हमारा इतना ही। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, हो सकते हैं एक ले लो एक का वर्गमूल एक, वो भी परिमेय संख्या। नौ ले लो तीन मिल जाएगा, सोलह से चार मिल जाएगा, पच्चीस से पांच। लेकिन अगर ये बात ले लिया तो फिर गलत हो जाएगा हमारा वर्गमूल दो, क्योंकि वर्गमूल दो तो एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ के होते हैं, यानी कि किन के नहीं होते, ये बात बहुत सारे पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों के लिए तो सही है, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। किन के लिए सही नहीं है? एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस, इनके लिए सही नहीं है। इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी? एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस उनचास, इस तरह से, यानी कि इनका जब वर्गमूल करें तो पूरा पूरा मिल जाए, हमें क्या मिल जाए? प्राकृतिक संख्या मिल जाए। जब इनका वर्गमूल करें तो हमें प्राकृतिक संख्या मिल जाए। इससे करेंगे तो एक मिल जाएगा, इससे दो, इससे तीन, इससे चार, तो इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में से कोई, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि दो ले ले,
दो का वर्गमूल तो एक एप्री में, वर्गमूल दो तो एक एप्री में संख्या ही बनेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड।